तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस यदि आपका भी मोबाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है या फिर गाइस आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप को ओपन करते हैं तो वो बहुत ही स्लो चल रहा है और गाइस आपका मोबाइल बहुत से हद से ज़्यादा हैंग कर रहा है, तो गाइस आप इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो गाइस जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि गाइस नहीं आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि गाइस यदि आपके मोबाइल में कोई भी फालतू का एप्लीकेशन पड़ा है जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा आपका स्टोरेज खा रहा है, तो गाइस आपको सबसे पहले तो गाइस उस एप्लीकेशन को यहाँ पर अनइंस्टॉल कर लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस मेरे मोबाइल में अभी के लिए तो कोई भी फालतू का एप्लीकेशन नहीं है, सभी मैंने एप्लीकेशंस को यहाँ पर से अनइंस्टॉल कर लिया है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपका जो भी बड़े बड़े जो एप्लीकेशन है जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फ़ोनपे हो गया या फिर गाइस कोई भी यूनो SBI करके कोई भी कई बैंक का भी कोई भी ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वो हो गया, तो उसमें गाइस आपको क्या करना है, कोई भी इस एप्लीकेशन पर एक लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर आ जाना है। ऐप इन्फो वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर देखिए गाइस आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैसे का, तो ये जो डेटा है कैसे डेटा है जो कि गाइस फालतू का हमारे अकाउंट में यहाँ पर ऐड हो जाता, तो यहाँ पर देखिए हमारे इंस्टाग्राम पर देखिए 153 MB का जो यहाँ पर फालतू का डेटा ऐड हो गया है, तो गाइस आपको इस डेटा को रिमूव करना होता है बार बार। तो यहाँ पर गाइस आपको 4-5 दिन में इसे गाइस लगभग यहाँ से क्लियर कर लेना होता है, तो यहाँ से गाइस मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से कैसे डेटा को क्लियर कर दिया, देखिए गाइस हमारे जो स्टोरेज में है कितना फ़र्क पड़ गया है गाइस। तो यहाँ पर गाइस आपको बार बार इस डेटा को यहाँ पर क्लियर करते रहना चाहिए, फिर गाइस आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। तो यहाँ पर गाइस सभी एप्लीकेशन में गाइस आपको ये रूल्स फॉलो कर लेना है और यदि गाइस फिर भी गाइस आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर गाइस आपको एक और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि गाइस आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइड स्क्रॉल डाउन होते हुए आना है और यहाँ पर गाइस एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर गाइस एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे की साइड आ जाना है, डेवलपर ऑप्शन का एक सेटिंग मिलेगा, इस पर गाइस आपको क्लिक कर लेना होता है। यदि गाइस आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो गाइस आपको सर्च बार में क्लिक करके गाइस वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं डेवलपर ऑप्शन पर आ गया हूँ, तो गाइस आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आ जाना होता है, तो यहाँ पर गाइस मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आ जाता हूँ। नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करते हुए आने पर गाइस आपको यहाँ पर देखिए गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर तीन तरह के ऑप्शन शो करेंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर एनिमेशन स्केल, तो गाइस आपको इन तीनों ऑप्शंस को यहाँ पर ऑफ कर देना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं इन तीनों ऑप्शंस को यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने इन तीनों ऑप्शंस को यहाँ पर ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पर और भी नीचे की साइड आ जाना है, तो यहाँ पर गाइस मैं नीचे की साइड आ जाता हूँ। नीचे की साइड आने पर गाइस आपको यहाँ पर देखिए गाइस एक ऑप्शन शो करेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का, तो यहाँ पर गाइस बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए गाइस आपको यहाँ पर देखिए गाइस आपका जो यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट करके यहाँ पर सेट करके रखा हुआ होगा, तो यहाँ पर गाइस आपको 8 MOST 2 प्रोसेस वाली इस ऑप्शन पर टिक कर लेना है। जैसे गाइस आप इस पर टिक करेंगे तो गाइस जो आपकी ये प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे गाइस मैं यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे गाइस मैंने यहाँ से बाहर आ गया, बाहर आने के बाद जैसे गाइस मैं कोई भी एक ऐप को ओपन करता हूँ तो यहाँ से गाइस जल्दी से गाइस वो हमारा जो ऐप है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गाइस हमें कोई भी हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर हैंग नहीं होगा और यहाँ पर देखिए हमारा मोबाइल भी यहाँ पर हैंग नहीं हो रहा है गाइस। तो इस तरह से गाइस यदि गाइस आपके भी मोबाइल में यहाँ पर गाइस हैंग का प्रॉब्लम शो कर रहा है तो गाइस कुछ इस टाइप से आपने मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो चलो और वीडियो चलो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।